मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप मुझे ट्यून इन कर सकते हैं रेडियो सिटी पर रात को, जब आपका मन करे लव गुरु को सुनने का, तो आप खास बोला नहीं है मैंने, तो सोच रही मैं ऐसे बात कर लूँ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देनी थी मेरे को। सबसे पहले क्या है ये, आई मीन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? I am so much hurt, guys. So much hurt. मैं क्या बताऊँ, मेरे को रोना आ रहा है यार इस चीज में। नहीं भाई, ये लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मतलब आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, ठीक है, रेगुलर वीडियोस देख रहे हो मेरी ऐसे, और मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। गजब बेइज्जती है। ये जब यूट्यूब पे देखा ना, मैंने यूट्यूब स्टूडियो खुद हंस रहा था मेरे पे, है करके ऐसे, कितना ज्यादा वो फील हुआ मुझे हर्ट, पता है कितना ज्यादा। ये बंदा अपनी खुजली करने में लगा हुआ है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ हर्ट हो रही है उसकी बहन, बदतमीज। इधर आ गया, कुछ बोल दे। मैं क्या बोलूँ, आपके सब्सक्राइबर हैं, बेवकूफ सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, बताओ। इतने सारे बंदों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, इतनी मेहनत करके इतनी दूर जाती हूँ, खर्चा करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, और उसका मुझे ये फल मिल रहा है, ये बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पता कितना बुरा लग रहा है, पता कितना, क्या बताऊँ मैं कितना बुरा लग रहा है मेरे को। ये जो अभी भी मेरा चैनल देख रहे हैं ना बिना सब्सक्राइब करे, आपको माता रानी पाप चढ़ाएगी, मैं बता रही हूँ। जस्ट किडिंग यार, मतलब कर दो यार प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, अगर देख ही रहे हो वीडियो तो थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत को, आपका कुछ नहीं जा रहा पर मेरा तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा ना, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरे, प्लीज कर दीजिए प्लीज। और दूसरी चीज ये थी कि जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि कुछ ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ, तो वो ट्रेजेडी ये हुई थी कि हम लोग जब माता रानी के दर्शन करके नीचे उतर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमें 12 बज गए थे उस टाइम पे। तो हमारे साथ क्या हुआ कि 12 बज गए तो सारे जितने भी होटल वगैरह थे, और मैं तेरे चपेड़ मार रही हूँ, मैं तेरे खुजली करे जा रही इतनी देर से, मैं बात कर रही हूँ ना, इधर तमीज नाम की चीज़ नहीं है कोई, कर लो ना बात, मैं खुजली भी नहीं करूँ, चुपचाप बैठ रही इधर ही, समझ में आ गई, हाँ ऐसी चुपचाप, अच्छा बच्चा, गुड बॉय। हाँ तो मैं कहती, तो हम 12 बजे करीब नीचे उतरे। एक तो 12 हमें क्यों बज गए थे मैं ये बताती हूँ, तो ये मेरी मम्मी है ना, इतनी ज़िद्दी हैं, इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, मैं पैदल चढ़ाई करूँगी, मैं पैदल उतरूँगी, ऐसे करके उन्होंने ज़िद कर ठान ली, तो ठान ही ली ऐसा वाला। और उनके हैं घुटने ख़राब, वो जो ऐसे अपने आप को पीटी उषा समझ रही थी ना, पूरे रास्ते मेरी पीठ पर ऐसे बेताल बन के बैठी हुई थी वो, और मैंने उनको उतारा है पूरे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। 12 बज के बताओ यार, मैं उतरते उतरते, और फिर ये भी था कि मेरा भाई जा चुका था, उसका मतलब इतने दिन की छुट्टी नहीं थी, उसको मिली थी, तो वो चला गया था पहले ही जल्दी उतर के नीचे, तो हम लोग आराम आराम से उतर रहे थे मम्मी के साथ। ये बच्चे बदतमीज शोर मचा रहे, छोड़ो। फिर हम 12 बजे नीचे उतरे तो देखा कि सारी दुकानें वुकानें बंद है, सब कुछ बंद पड़ा, सब बंद पड़ा है एकदम, कुछ भी नहीं खुला हुआ था, एक भी ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और हमने फिर क्या नाम अपना विजिटिंग कार्ड निकाला अपने होटल का, और स्लिप निकाली, देखा तो दोनों में ही नंबर अलग है, नाम अलग है, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं होटल वालों को कॉल कर रही हूँ, उस स्लिप पे जो नंबर था उन्हें कॉल कर रही हूँ, इवन मैंने जो भैया का नंबर लिया था जिस कैब ने हमें छोड़ा था बाणगंगा तक, बाणगंगा से पहले छोड़ा था उन्होंने, तो बाणगंगा बोल के बाणगंगा से पहले छोड़ दिया था उन्होंने, भी चिटिंग करी थी उस टाइम हमारे साथ। फिर उनको भी मैंने कॉल किया तो किसी ने हमारा कॉल नहीं उठाया, किसी ने मेरी कॉल उठाया, मतलब इतना भी वो नहीं है कि थोड़ा सा यार इंसानियत के नाते कोई नहीं यार, मतलब लेट हो गए उतरने में क्या हो गया, लेकिन कॉल तो उठा सकते ना, हमारा सामान है उधर आपके होटल के अंदर, इतने भी वो नहीं था वो लोग। हम लोग रात के 1:30 बजे ऐसे डंगरों की तरह घूम रहे पूरे रोड पे, मैं इतने टेंशन में, बाकी मम्मी उम्मी सब ऐसे टेंशन में घूम रहे कि अब क्या करें, कहाँ जाए वगैरह वगैरह। फिर हमें पता लगा कि वहाँ पे जहाँ पे कटरा मार्केट है, कटरा मार्केट जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक धर्मशाला है, तो हमने पता करा, तो उस धर्मशाला में हमें स्टे के लिए मिल गया, थैंक गॉड, आई थिंक माता रानी की कृपा थी, हमें मिल गया, नहीं तो हम लोग पूरे रात उधर ही रोड पे ही हम लोग को बिताना पड़ता आई थिंक से, बहुत ज़्यादा वो हो जाता। फिर हम लोग धर्मशाला में रुके, हमने वहाँ पे रात बिताई, और फिर हमने नेक्स्ट डे जाके वहाँ से अपना सामान वामान ले लिया था। मेरा मूड बहुत ख़राब था तो मैंने क्या नाम है उस होटल का कुछ शूट ही नहीं किया, मैं सिर्फ सामान लिया और अपना वापस धर्मशाला में आ गई थी। बाकी धर्मशाला का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, हमें सुबह सुबह आरती करने को क्या नाम है
मिली, शाम के टाइम पे भी आरती मिली थी, काफी ऐसा धार्मिक सा माहौल था, हमने काफी इंजॉय करा। बाकी आप देख ही लोगे ब्लॉग के अंदर, बाकी आप जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना है, और होटल वगैरह जैसे मेरे साथ हो गया पंगा, वैसे आप लोग के साथ ना हो, इसका ध्यान रखना, प्लीज बी अवेयर अगर जाते हो तो वहाँ पे। तो बाकी ब्लॉग इंजॉय करो और सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, ठीक है? मतलब प्यार से भी बोल यार, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, दिल से बुरा लगता है यार, प्लीज। यहाँ पे हम अपना मस्का बन और चाय एंजॉय कर ही रहे थे कि हमारी मुलाकात हुई आरजे मिस्टर अमित तनेजा उर्फ लव गुरु से। जय माता दी करते हुए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपने के साथ आप रेडियो श्री प्रसन्न तेज सरवास को दिल के साथ आपकी बात करती है, और यहाँ पर माता के दर्शन करने के बाद प्यारे प्यारे हसीन और खूबसूरत चेहरों से हुई है मुलाकात। वो कहने वाले कहते हैं कि सदा पे कौन न मर जाए खुदा, तो देखते हैं आईने में अपने खुश तक, और ये भी देखते हैं जालिम कोई दिखता ना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और माता का नाम लेते रहिए। जय माता दी वंस अगेन टू यू ऑल। बड़ी प्यारी सी गुड़िया है वहाँ पर बैठी, अपने बालों से ना जाने क्यों खेल रही है, उससे पहले जो गुड़िया गुड्डा लगती है उससे भी हमने बात करी, और एक और गुड़िया जिसके हाथ में अभी फोन है, और ये तो सबसे ही ज्यादा इनोसेंट है, राइट? मस्त जोक मारा रे। अभी वो गुड़िया अपनी मम्मी से लड़ाई कर रही थी, लेकिन माँ का प्यार भी माँ के दर पे आए, और पापा उनके चाय लेकर आए थे, पापा ही है ना, हमने देखा, और एक पापा और है चश्मा लगाकर गिरधारी लाल जी की तरह अंदाज में बैठे हैं, और ये सोच रहे हैं कि दिल की बातें दिल तक नहीं रहनी चाहिए, जमाने तक आनी चाहिए। और ये आंटी जी पिछले 1.5 घंटे में तैयार हुई है, तो कम से कम ये तैयार तो हो गई, धीरे धीरे तैयार हो रही थी, हो ही गई, मुझे लग रहा था आज होंगी कि नहीं होंगी। जिंदगी का एहसास वही है जो आपके अपनों के साथ है, कि जिंदगी अपनों के साथ ही होगी, इसी का नाम जिंदगी है। आप मुझे ट्यून इन कर सकते हैं रेडियो सिटी पर रात को, जब आपका मन करे लव गुरु को सुनने का, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वंस अगेन जय माता दी लाल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चाय का और समोसों का लुत्फ लीजिए। थैंक यू, थैंक्स। आराम करने के बाद और शाम को आरती एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे कटरा मार्केट में शॉपिंग करने। कटरा मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है ड्राई फ्रूट्स, और मेरी मम्मी यहाँ पे प्रसाद की शॉपिंग कर रही है। जी हाँ, प्रसाद की शॉपिंग, बिकॉज हिंदू धर्म में जो भी वैष्णो देवी की यात्रा करके आता है उसको अपने आस पड़ोस में प्रसाद जरूर बांटना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं। जैसे कि ये अखरोट हो गया, और बाकी चीज़ों के तो मुझे नाम पता भी नहीं है। यहाँ पे बने हुए प्रसाद भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप खुले लेके जाना चाहो तो खुले भी मिल जाते हैं। तो मार्केट घूमते घूमते मुझे दिखा ये 3D लैपटॉप। यस, ये इसे 3D लैपटॉप बोल रहे थे, और ये मुझे इतना यूनिक लगा कि मैंने ये अपने फ्रेंड्स और कजन्स वगैरह को गिफ्ट देने के लिए कम से कम 6-7 खरीद लिए, और ये सिर्फ 200 रुपए का एक था।
और यहाँ पे ये सुंदर वुडन हैंडमेड नेम प्लेट्स बना रहे थे ये भैया, क्योंकि बहुत ही सुंदर राइटिंग में नेम लिख रहे थे और पेंटिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी मेरे डॉग के लिए कीचेन बनवा लेती हूँ। कटरा मार्केट घूम लिया था, शॉपिंग कर ली थी और वहाँ के थोड़े बहुत स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर लिए थे। और मेरे हो रहा था पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, तो मुझे ये मालिश वाले भैया मिल गए। मैं अपनी मसाज करा ही रही थी कि भैया ने बताया ये मालिश का काम तो वो मजबूरी में कर रहे हैं, वैसे वो बाय प्रोफेशन शायर है। तो मसाज के साथ साथ उन्होंने अपनी शायरी भी हमें सुनाई। बाप मंजिल तक जाने का था, रिश्ता बाखूबी निभाने का था, और निभाने की बात आई तो रास्ते पर छोड़ दी, ज्यादा उसका भी दिल दुखाने का। वाह वाह। चलो भैया जी हो जाए एक और। कि जो ना गुजारी गुजारी जा सके हमने वो गुजारी है, कि जो ना गुजारी जा सके हमने वो गुजारी है, हमने सारी जिंदगी उसकी याद में गुजारी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कि मैं एक बात जुबान पर ला चुका हूँ, मैं एक बात जुबान पर ला चुका हूँ, उसे अपना बना चुका हूँ, वो उसे बेवफाई झूठ सॉरी 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 एक तू कि यकीन नहीं मानोगे किस हद तक आजमाया है मुझको, यकीन नहीं मानोगे किस हद तक आजमाया है मुझको, मेरी ही नजरों में गिराया है मुझको, और सुना है रकीब का दामन थाम लिया या खुद की शादी में बुलाया है मुझको। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पे वैष्णो देवी यात्रा अब समाप्त होती है। आई होप यू एंजॉयिंग। और अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ डू चेक आउट। इस तरीके से आपको अभी तक किसी ने भी वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कराई हो, विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और एक अलग अंदाज के साथ। और वैष्णो देवी की यात्रा के बाद हम लोग गए थे शिवखोड़ी पे, सो इसके बाद शिवखोड़ी के एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पड़ा है लफ्ज इश्क, रहने दो कि बात उठने में जरा सी देर लगती है, उनसे मोहब्बत करते हो तो जिद भी पूरी किया करो, रिश्ता टूट जाने में जरा सी देर लगती है।